नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज और आप सभी का आज के वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज आपको मैं अपने गार्डन में लगी जो परमानेंट फूलों की बेलें हैं, आज आपको मैं वो दिखाऊंगा। उसमें मेरी वेजिटेबल और फ्रूटिंग की कोई बेल शामिल नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल वाले आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए, मैं आपको अपने आज अपने गार्डन में जो मेरी 10-11 फूलों की बेलें लगी हैं आज आपको मैं वो दिखाता हूँ। नंबर एक दोस्तों, जो आप ये बेल देख रहे हैं ये मोगरा की बेल है। इसको मैंने 15x15 इंच के ग्रो बैग में लगाया हुआ है और ये दोस्तों आप चाहो तो इसको एक एज ए प्लांट की तरह भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बेल की तरह ग्रो किया हुआ है। आप इस पर इस टाइम देख रहे हैं कि इस पर अभी फ्लावरिंग थोड़ी कम हो रही है, क्योंकि दोस्तों अभी अक्टूबर का मंथ चल रहा है। दोस्तों, इसमें फ्लावरिंग का सीज़न आपका मार्च में जब बाहर के दिन शुरू होते हैं तो दोस्तों उसमें फ्लावरिंग सीज़न स्टार्ट हो जाता है और नए इसकी नई नई पत्तियाँ ग्रो होनी शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, इसको सनलाइट की अच्छी रिक्वायरमेंट होती है। इसको अगर आप अच्छी सनलाइट देंगे तो दोस्तों इसमें फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। और दोस्तों, इसमें पानी आप जैसे और सब प्लांट्स में डालते हैं, इसको पानी भी उसी तरह प्लांट्स में डालिए। दोस्तों, इसके फूलों में से खुशबू बहुत तेज़ अच्छी आती है और ये मेरा डबल पेटल का है। तो दोस्तों, आप भी मोगरा का प्लांट अपने गार्डन में ज़रूर शामिल कीजिए। दोस्तों, अगली बेल है मेरी जूही की बेल है। इसमें इस तरह से गुच्छानुमा फूल आते हैं और ये इस तरह से छोटे छोटे वाइट फूल आते हैं और ये शाम के समय ज़्यादातर खिलते हैं। दोस्तों, इसकी खुशबू भी इसके फूलों में से खुशबू भी बहुत ही जाती है। दोस्तों, अगर आप इस प्लांट को लगाना चाहते हैं तो दोस्तों आप इसको अपनी जब भी बेल बड़ी होने लगे तो आप इसको आपस में खुद हाथ से इसको ट्विस्ट करना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप अपने हाथ से ट्विस्ट नहीं करते हैं तो दोस्तों ये इस तरीके से कुछ झाड़ी नुमा ज़्यादा दिखाई देने लगता है और बेल कम। तो आप इसको इस तरीके से अपने हाथ से ट्विस्ट करके इस तरीके से आप इसको ऊपर चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इसको भी अच्छी सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है और इसको भी वाटरिंग भी आप इसको जैसे सभी प्लांट्स में करते हैं उसी तरीके से इसमें कीजिए। और इसमें आप गुच्छे में इस तरीके से बहुत सारे फूल आते हैं। दोस्तों, अगली बेल थर्ड नंबर की जो आप देख रहे हैं, इसे झुमका बेल भी बोला जाता है। इसे आप रंगून क्रीपर के नाम से भी जाते हैं और इसे मधुमालती के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये भी इसको भी मैंने एक 15x15 इंच के ग्रो बैग में लगाया हुआ है और दोस्तों इसमें जब आप परचेज़ करेंगे तो दोस्तों इसमें एक सिंगल पेटल की भी आती है और एक डबल पेटल की भी आती है। दोस्तों, ये मेरी बेल डबल पेटल की है और इसके फ्लावर में से भी खुशबू दोस्तों शाम के समय बहुत ही जाती है। इसको भी अच्छे सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों, समर्स में फ्लावरिंग करती है और ये आपकी अक्टूबर नवंबर तक फ्लावरिंग अच्छी करती है इस पर, लेकिन इसमें फ्लावर इस टाइम पे कम हो जाते हैं। आप देखते हैं मेरे इसमें अभी फ्लावरिंग थोड़ी कम हो रही है। दोस्तों, आप इसमें अच्छी फ्लावरिंग पाने के लिए आप इसमें DAP और थोड़ा बोन मिल इस प्लांट को दे सकते हैं और इसमें दोस्तों ज़्यादा वाटरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो दोस्तों, ये भी बहुत हार्डी प्लांट है, आप इसको भी अपने गार्डन में ज़रूर शामिल कीजिए। दोस्तों, फोर्थ नंबर की जो आप बेल देख रहे हैं ये मेरी बोगनविलिया की बेल है। दोस्तों, ये भी बहुत हार्डी बेल है, इसको भी आप समर्स की बेल है, इसको पूरे अच्छी सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है तभी ये फ्लावरिंग करती है। दोस्तों, इसको भी ज़्यादा वाटरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दोस्तों, ये भी बहुत शानदार बेल है। इसके मेरे पास 3 से 4 कलर है। इसमें मेरे पास येलो है, वाइट है, रेड है और इसमें मेरे पास एक ऑरेंज कलर और है। दोस्तों, इस ये बेल भी बहुत हार्डी प्लांट है और आप इसकी कटिंग भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, जितनी भी मैं आपको ये सारी बेलें फूल दिखा रहा हूँ आज की, ये सारी परमानेंट बेलें हैं। आप इन सबको अपने गार्डन में जरूर शामिल कीजिए। अगर आप चाहो तो दोस्तों, अगर एज ए आप इसको प्लांट ग्रो करना चाहो तो आप इसे एक तरीके से प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी समर्स में अच्छी फ्लावरिंग करता है, लेकिन ये भी अक्टूबर का मंथ चल रहा है। आप देख रहे हैं कि मेरे इस पर अभी थोड़ी फ्लावरिंग कम है और इसको जितनी अच्छी सनलाइट मिलेगी दोस्तों उतनी अच्छी ये फ्लावरिंग करता है। खाद में इसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसे खाली वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। और दोस्तों, जो पाँचवें नंबर पर आप बेल देख रहे हैं ये बटरफ्लाई पी की है, इसे परिजात के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, आप इसे ग्रो आसानी से कर सकते हैं। इस पर जो इस तरह से फलियाँ लगती है आप इसकी सीड से भी इसको ग्रो कर सकते हैं और इस पर दोस्तों आप इसकी कटिंग भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी बहुत शानदार बेल है, इसकी फ्लावरिंग भी इसमें ब्लू कलर की आती है। अब इस टाइम इस पर फ्लावर नहीं है, इसमें मॉर्निंग में फ्लावर अच्छे आते हैं। दोस्तों, उसको भी अच्छी सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है तो ये फ्लावरिंग भी अच्छी करती है। बाकी दोस्तों, इसको भी
आप फर्टिलाइज़र में आप इसे DAP दे सकते हैं और बोन मील दे सकते हैं। दोस्तों अगर इन सब पे अगर आपका कोई पेस्ट अटैक करता है तो आप इन पे सिंपली नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों विंटर में ये थोड़ा इसके पत्ते इस तरीके से सूख जाते हैं, बाकी दोस्तों ये परमानेंट बेल है, ये अपने आप ही धीरे धीरे जब इसका सीज़न आता है तो अपने आप ही ये ग्रोथ ले लेती है। दोस्तों नेक्स्ट बेल आप जो छठे नंबर पर आप देख रहे हैं, ये मेरी मॉर्निंग ग्लोरी की बेल है। दोस्तों ये भी बहुत शानदार बेल है, जैसे कि आप इसके नाम से ही जा रहे हैं मॉर्निंग ग्लोरी, तो ये मॉर्निंग के समय ही अपनी फ्लावरिंग करती है और उसके बाद ही इस तरीके से ये फूल इसके बंद हो जाते हैं और ये इस तरह से फिर नीचे गिर जाते हैं। दोस्तों ये भी शानदार बेल है, ये समर्स की बेल है। आप इसको अपने गार्डन में एक बार लगाएंगे तो दोस्तों ये अपने आप ही इसके प्लांट्स निकलते रहते हैं, क्योंकि दोस्तों इसकी जब ये फ्लावर बंद हो जाते हैं तो इसमें बहुत अच्छे सीड्स बनते हैं जो अपने आप ही इधर उधर बिखरते रहते हैं और ये निकलते रहते हैं। और दोस्तों जो आप ये सातवें नंबर पर बेल देख रहे हैं, ये टाइटन वाइल है। दोस्तों इसे इंडोर ग्रो किया जाता है, आप इसे बास्केट में भी लगा सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से बहुत इसे आप हैंग कर सकते हैं, ये बहुत सुंदर लगती है। दोस्तों आप इसमें अगर ज़्यादा वाटरिंग करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये इस तरीके से बीच में सूख जाती है। मेरी ये बरसातों में रखी थी इसलिए इस वजह से ये ऐसी हो गई है। और दोस्तों इसकी आप कटिंग भी इजीली से ग्रो कर सकते हैं, आप इसकी स्टेम को तोड़ के आप किसी भी मिट्टी में गमले में दबा देंगे तो ये इजीली से ग्रो हो जाती है। और दोस्तों ये देखने में बहुत ही सुंदर लगती है, आप इसे एज ए इंटर ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों जो आठवें नंबर पर आप बेल देख रहे हैं, ये कृष्ण कमल के नाम से जानते हैं, इसे पैशन फ्लोरा भी कहते हैं, इसे राखी बेल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इस पे जो फ्लावरिंग होती है वो इस तरीके से एक राखी की तरह होती है और इसमें से खुशबू भी अच्छी आती है। दोस्तों ये भी समर्स में अच्छी फ्लावरिंग करती है ये बेल भी। आप एक दोस्तों सारी जो मैंने आपको बेलें दिखाई हैं सारी परमानेंट बेलें हैं। दोस्तों आप इसको फ्लावरिंग के लिए आप इसमें DAP बोन मील बर्मी कंपोस्ट और दोस्तों जितनी भी बेलें हैं ये समर्स की हैं, इनको अच्छी सनलाइट चाहिए और ये परमानेंट बेलें हैं। इसको मैंने 15x15 इंच के ग्रो बैग में लगाया है और उसको भी आप वाटर की रिक्वायरमेंट जैसे सब प्लांट्स में देते हैं उसको भी इसी तरीके से आप वाटरिंग कीजिए। दोस्तों ये नौवें नंबर पर आप बेल देख रहे हैं, ये अलमंडा की बेल है। दोस्तों इसको भी अच्छी सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों अभी नवंबर अक्टूबर का मंथ चल रहा है तो इस पर फ्लावरिंग अभी कम हो गई है, ये भी समर्स की बेल है। ये आपको मार्च से लेके और आपके अक्टूबर नवंबर तक अच्छी फ्लावरिंग दे देती है। इस पर भी एक ट्रम्पेट जैसे शेप जैसे फ्लावर लगते हैं। ये मेरी येलो कलर की बेल है, इस पर मेरे पास एक ऑरेंज कलर के पिंक कलर की बेल और है, उस पर इसके इससे बड़ा फ्लावर का साइज़ आता है। दोस्तों ये भी आप इसकी कटिंग भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं, आप इसकी कटिंग सिर्फ वाटरिंग में ग्रो कीजिए, ग्रीन स्टेम वो आपकी इजली से ग्रो हो जाएगी। दोस्तों इसको भी वाटरिंग की अच्छी रिक्वायरमेंट होती है, आप इसकी मिट्टी को सिर्फ नम रखिए, ज़्यादा गीला ना रखिए, ये भी आपको अच्छी फ्लावरिंग देगी। और दोस्तों ये 10वें नंबर पर बेल आप देख रहे हैं, ये मेरी टिकोमा की बेल है। इस पर भी एकदम ट्रम्पेट शेप जैसे फ्लावर आते हैं ऑरेंज कलर के, ये भी बहुत शानदार बेल है। दोस्तों ये भी आपको गर्मी में अच्छी फ्लावरिंग देती है। इसको भी मैंने एक 15x15 इंच के ग्रो बैग में लगा रखा है। आप इसे फ्लावरिंग पाने के लिए आप इसे DAP वगैरह दे सकते हैं। दोस्तों जब आप इसे किसी सहारे से आप इसको ऊपर चढ़ाते हैं तो वैसे दोस्तों दीवार की सहायता वगैरह से ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन जब दीवार वगैरह की सहायता किसी का सहारा लेके जब ऊपर चढ़ती है तो दोस्तों ये फ्लावरिंग पे नहीं आती। दोस्तों तो आप इसको फ्लावरिंग पे लाने के लिए आप इसको एकदम से बिल्कुल सेपरेट रस्सी बांध के इसे ऊपर से चढ़ाइए, जब ये ऊपर से नीचे हैंग करेगी तो इस पर दोस्तों अच्छी फ्लावरिंग होती है। और दोस्तों इस पर पेस्ट वगैरह भी अटैक करते हैं तो आप इस पर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं और इसमें वाटर भी दोस्तों आप जैसे सब प्लांट्स में डालना है उसी तरीके से डालना है। और आप इसे फर्टिलाइज़र में वही सेम तरीका आप इसमें DAP बोन मील और दोस्तों लिक्विड फर्टिलाइज़र में सरसों की खली यूज़ करते हैं तो आप सरसों की खली का लिक्विड भी का आप इसमें डाल सकते हैं, आप इसमें वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं। दोस्तों इसको भी फ्लावरिंग के लिए अच्छी सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों जो आप 11 नंबर बेल देख रहे हैं, ये मेरी अलमंडा की बेल है, ये मेरी पिंक कलर की बेल है। इस पर भी फ्लावर दोस्तों शानदार फ्लावर आता है, इसमें मेरे पास पिंक कलर का फ्लावर आप इस पर देख रहे हैं, दो कलियाँ बनी हुई है, इसमें पिंक कलर का फ्लावर ट्रम्पेट शेप में बहुत अच्छे तरीके से आता है। इसके लिए भी आप दोस्तों सेम एज जो मैंने अलमंडा का बताया है आप उसी तरीके से इसको ग्रो कीजिए, इसकी कटिंग भी आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं, इसकी कटिंग आपकी इजीली पानी में ग्रो हो जाती है। और इसकी मिट्टी को आप मॉइस्ट रखिए और
खाद में आप इसको वर्मी कंपोस्ट, DAP, बोन मील ये सब दे सकते हैं। और दोस्तों जो आप ये 12 नंबर की बेल देख रहे हैं ये पारिजात की है, इसे हर सिंगार के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। इस पर फ्लावरिंग इस तरह से गुच्छे के सूरत में आते हैं दोस्तों। ये फ्लावरिंग शाम के समय करती है, रात में करती है, और इसके सुबह 4 बजे के आसपास इसके सारे इस तरीके से फूल बिखर जाते हैं दोस्तों। वैसे तो ये आप इसे पेड़ की तरह भी ग्रो कर सकते हैं, और अगर आप इसको चाहो तो एज ए बेल की तरह भी आप इसे बांध के ट्विस्ट करके आपस में इसको ग्रो कर सकते हैं दोस्तों। ये भी बहुत शानदार बेल है, लेकिन इस जब आपका रेनिंग सीजन स्टार्ट होता है सितंबर में, तब ये अच्छी फ्लावरिंग करती है। अक्टूबर नवंबर तक ये अच्छी फ्लावरिंग करती है दोस्तों। फ्लावर में से खुशबू बोते जाती है, ये फूल भगवान विष्णु को बहुत पसंद है, इसके फूल पूजा में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ये सारे दोस्तों मैंने, ये जितनी भी बेलें मेरी हैं, मैंने सब कटिंग से ग्रो की हुई हैं। आप देखते हैं बटरफ्लाई पी का फ्लावर कितना शानदार है, ये इस पर खिला हुआ है, और मॉर्निंग ग्लोरी का है, ये सारी कटिंग मैंने ग्रो करी है, और ये अलमंडे की। तो दोस्तों इन सब के सितंबर में, और जब मार्च का 5 का महीना मंथ आता है, तो आप इन सब की कटिंग इजली से ग्रो कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद, जब तक के फिर नेक्स्ट वीडियो में।